स्कंद पुराण काशी खंड स्कंद ऋषि अपने कुंभज ऋषि पुत्र को उपदेश देते कि नव मनुष्य को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ऐसे एकादशी पूर्णिमा आदि के व्रत का फल भी अक्षय होता है। सुपात्र को कोई पढ़ता है सदाचारी उस विद्यार्थी को मदद किया, अथवा तो अपना स्नेही मित्र है और अभी थोड़ा कर्जे में दबा है, मित्र को दिया दान कष्ट के समय, उसका अक्षय फल होता है। तीसरा, जो विनय युक्त है, विनयी है, सज्जन है, विनय का सद्गुण है, उसको दिया हुआ दान अक्षय होता है। जो लाचार है, मोहताज है, दीन है, कोई उसका सहायक नहीं है और उसके उपयोग की वस्तु या धन या सेवा, वो अक्षय फल देती है। पांचवा, जो अनाथ है उसकी सहायता अक्षय फल देती है। छठा, जिसने हम पर उपकार किया है, चाहे सत्संग देकर, सेवा करके, कैसा भी हम पर उपकार किया है, मेरे रसोई यहां जो भोजन बनाकर खिलाते ना, उसमें रसोई में कोई रसोईया काम करता था, मैंने उसको पूछा क्या बात है, चिंतित लगते हो, बोले अपना मकान नहीं, तो हम दो भाई थे, मेरे हिस्से दो मकान आए, भाई के हिस्से दुकान और मकान, तो मेरे हिस्से जो दो मकान आए ठक्कर नगर में, एक मकान में तीन कमरे बरामदा, ये मैंने उसको कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, बोले 25,000 तो है मेरे पास, मैं क्या ले आना, वो 25,000 ले आया, तीन कमरे वाली कोठी सिटी में थी, हमने उसको दे दी लिख के, उसको ऐसा ना लगे मैंने मुफ्त में लिया। अब 25,000 में अहमदाबाद में मकान कितने कमरे वाला मिलता होगा, दे दिया उसको, उसने रसोई बनाकर तुमको खिलाया, कुछ सेवा किया मेरी, मुझे खुशी है, अभी भी खुशी। अब वो तो मर गया, उसके बच्चे रह रहे, आनंद की बात है, अपने ही तो बच्चे। और दूसरा मकान जो हिस्से में मिला है वो महिलाओं के लिए रख दिया है, कोई महिलाएं एकांत में साधना करने जाए तो उसी मकान में, वो भी बड़ा कीमती, क्या बात है, कीमती बीमती सब यहाँ की चीजें यहाँ है, मेरे नाम पर ही नहीं है, नारायण की माँ के नाम का माल है, माँ यहाँ फायदा उठाओ, मेरे नाम का मैंने दे दिया उसके नाम का वो जा रहा हूं, नारायण हरि बोलो ना, वो क्या जाने उसके बाप का माल, थोड़े माल तो मेरा है, वो बेचारे मेरी आज्ञा के बिना थोड़ी जाए अभी बेच के भंडारा कर दूं, मिल जाए ऐसा कोई काम काज तो मैं वो मकान बेच के भंडारे में लगाने को तैयार हूं, गुरुकुल खोलना है तो मैं उनको मदद करने के लिए मकान बेच दूंगा, तुम लोगों से चंदा थोड़ी करूंगा। नारायण हरि बोलो ना। अच्छा, तो पांचवा ये होता है दान, अनाथ को दान देना। छठा होता है जिसने हमारा उपकार किया उसको। सातवा होता है अगर माँ की सेवा में भी धन लग गया तो वो भी अक्षय फल देता है, माँ बाप की सेवा, पिता की सेवा में। और नौवा है कि गुरु की सेवा में अगर कोई धन तन मन धन कैसे भी गुरु के देवी कार्य में लग जाता है वो अक्षय फल देता है। तो मेरा गुरु का देवी कार्य में मेरा कुछ भी लग जाए तो मेरे बाप का क्या जाता है, अक्षय फल हो ही रहा है, मुझे क्या घाटा है, भले अभी भूख लगी है लेकिन तन को घिसा कर भी सेवा कार्य कर रहा हूं ना, गुरु जी का कार्य कर रहा हूं, गुरु जी ने मेरे को कहा था, मैंने कहा आपको दक्षिणा देने बिना मेरा मन नहीं मानता, बोले जो मांगू वो देगा, क्या जो आप मांगे बोले देगा, मैं सोचा बोलेंगे तुम्हारी प्रॉपर्टी दे दो तो मैं अर्पण कर दूंगा, 50,000 रुपया मांग लूंगा, बैंक में रख दूंगा 500 रुपया, मैंने कहा ब्याज आएगा भजन करूंगा, ऐसा मन में बेईमानी थी, सारी संपत्ति दूंगा 50,000 रख लूंगा, बोले जो मांगूंगा देगा, मैं क्या जी सही, तो बोले आत्मज्ञान पाले और दूसरों को बांट,
आए है मैं क्या वाह मेरे गुरुदेव बोले खुद परमात्मा को पाले तो पाले और दूसरों को मारता रहे तो मैं तो लगा हूं और मेरे संपर्क में जो आए उनको भी लगाए जाता हूं मेरे बापू को दक्षिणा देने में बापूजी को मेरे गुरुदेव की दक्षिणा गुरुजी को खूब तृप्त करती होगी खुश रहते होंगे मेरे गुरुजी भी दक्षिणा दे रहा हूं मेरे गुरुजी को नहीं दे रहा हूं क्या मेरे गुरुजी ये सब दक्षिणा आपको ये सारी पुण्याई मेरे लीलाशाह भगवान को मेरे को नहीं चाहिए पुण्य मेरे को तो गुरुजी ने तो दिया है काफी इन नौ व्यक्तियों की सेवा में जो लगता है वो अक्षय हो जाता है।